बक्सवाहा बड़ा मलहरा विधानसभा के बक्सवाहा ब्लॉक में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ बूथ पर देखी गई। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ भी बढ़ती गई। बक्सवाहा ब्लॉक की बात करें तो सुनवाहा गांव की, जहां पर सबसे अधिक भीड़ बूथों पर दिखी, मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती सुनवाहा में बूथ चेक करते हुए दिखी। आपने भी आपने वोट किया है, क्या कहें? हमने वोट किया है, लोकतंत्र है, सबको वोट करना है और सब वोटिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे बड़ा मलहरा हो, बक्सवाहा हो, घुआरा हो। आप देख रहे होंगे बूथों पे जाके कि लोगों की भीड़ है, एकदम उत्साहित है, लोग उत्साह में हैं और बहुत ही प्रसन्नता के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं। कुछ और सवाल? नमस्कार, इस समय वॉइस ऑफ राइट्स की टीम है बक्सवाहा के सुनवाहा गांव में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह लोधी मैदान में हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये कतारें लगी हुई हैं, तो कितना उत्साह है यहां पर मतदान के प्रति मतदाताओं का। और आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर, सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। और महिलाओं में और युवाओं में, जो पहले भी मैंने कहा है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं के अंदर और युवाओं में मतदान के प्रति जो एक उत्साह है वो इससे पहले बहुत ही कम देखा गया है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर पुरुषों की कतारें लगी हुई हैं, उस तरफ महिलाओं की कतारें लगी हुई हैं। लगभग यहाँ पर दो पोलिंग बूथ हैं और दोनों ही पोलिंग बूथ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, क्योंकि इसका कारण एक ये भी है कि ये जो सुनवाहा गांव है, यहाँ से डॉक्टर करण सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और ये उनका निज गांव है, होम है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है मतदान का जो प्रतिशत है वो अन्य जगह की अपेक्षा काफ़ी अधिक होगा। बक्सवाहा से मुकेश रावत।